वेलकम बैक टू माय चैनल सीकर सिखाते रहो। इसमें आपके साथ बरका। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज डिफरेंस ऑफ व्लॉग्स एंड ब्लॉग्स। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे कि व्लॉग किसे कहते हैं एंड ब्लॉग किसे कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास टू वर्ड आते हैं, जो एक है ब्लॉग BLOG ब्लॉग एंड व्लॉग VLOG। जी हाँ, वहीं पर जहाँ व्लॉग है जो हम जिसे कहते हैं BLOG हम स्पेलिंग में पढ़ते हैं, और वहीं पर हमारे पास एक है व्लॉग VLOG। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग चार वर्ड्स में हमारे पास फोर वर्ड्स में हमारे पास थ्री वर्ड्स सेम है, लेकिन हमारे पहले टू वर्ड्स में डिफरेंस है, बी फॉर बॉल वाला और व्लॉग में वी फॉर वैन वाला। ओके, सो बात करते हैं हम व्लॉग से। ठीक है, व्लॉगिंग के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि व्लॉगिंग क्या होती है। जैसे कि मैं पूछती हूँ अपने फ्रेंड्स से, तो उनको कुछ लोगों को पता होता है एंड कुछ को नहीं पता होता कि व्हाट इज व्लॉगिंग। ठीक है, सो व्लॉगिंग बेसिकली होती है कि बाहर का, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल कि आपको घूमने का बहुत शौक है, देन आप अपना फोन उठाकर अपना टैब उठाकर अपना कहीं की भी अपने बाहर एडवेंचर करने जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, तो उस एनवायरनमेंट को अपने फोन में सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो इट्स कॉल्ड व्लॉगिंग। ठीक है, तो इसको हम व्लॉगिंग कहते हैं। जी हाँ, हम अपने एडवेंचर करने जा रहे हैं बाहर, या फिर कोई किसी प्लेस जा रहे हैं, या फिर किसी जगह जा रहे हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस जा रहे हैं, तो उस चीज को अपने फोन में कैप्चर करना इट्स कॉल्ड व्लॉगिंग। ठीक है, और उसको लोगों तक पहुंचाना वो व्लॉगिंग के थ्रू होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत बहुत मजा आता है इसमें। फॉर दी एग्जाम्पल कि अगर व्लॉगिंग अलग अलग प्लेस, जैसे कि हम कोई यूजर है, हम किसी की व्लॉगिंग देख रहे हैं, सो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि वो पूरे उस एनवायरमेंट को उसने कैप्चर करा है, बहुत अच्छी तरीके से वो समझा रहा है। देन एक इसके साथ साथ जोड़ सकते हैं एजुकेशन व्लॉगिंग। जी हाँ, एजुकेशन व्लॉगिंग में अगर फॉर दी एग्जाम्पल मैंने अपने पिछले सेमेस्टर में कॉलेज के सेकेंड ईयर के कॉलेज के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री सेक। तो हिस्ट्री सेक में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी हिस्ट्री थोड़ी डिसिप्लिन की हिस्ट्री से थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि स्तूप के बारे में, स्तूप की बनावट एंड ऑल, और जैसे कि आप कुतुब मीनार की बनावट, तो हमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुतुब मीनार आज तक नहीं गई, तो मुझे नहीं पता कि कैसे कुतुब मीनार है। हाँ, मैंने मुझे पता है कि पांच इमारत है उसकी, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये सब तो मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका बनावट, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता। तो उसके स्ट्रक्चर से आप अपने फोन के अंदर भी, जैसे कि कुछ लोग व्लॉगिंग करते हैं, एजुकेशन व्लॉगिंग भी करते हैं, तो उसके अंदर आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो शूट करती तो मैं बताती कि इसकी इमारत पांच है, देन इसकी इमारतों में जो शिल्प कला है, जो इसकी चित्रकला है वो दर्शाई गई है, तो उसको देख के आइडिया हो जाता एंड मैं अपना आंसर अच्छे से कंडक्ट कर सकती थी। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड व्लॉगिंग के थ्रू। व्लॉगिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जी हाँ, व्लॉगिंग में बहुत मजा आता है, यूजर को भी और जो व्लॉग कर रहा है उसको भी, तो इसको कहते हैं व्लॉग। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं ब्लॉग पर, BLOG ब्लॉग किसे कहते हैं। तो बेसिकली ब्लॉग, जैसे कि फॉर दी एग्जाम्पल कि अगर आपको लिखने का शौक है, लाइक नॉवेल्स लिखते हैं, आप पोएट्री लिखते हैं, या फिर आप शायरी लिखते हैं, या फिर आप स्टोरीज लिखते हैं, तो आप उस जो आपका जो कंटेंट है, जो आपने लिखा है, उसको आप अपनी वेबसाइट बनाकर उसमें अपलोड कर सकते हैं और लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं, इट्स कॉल्ड अ ब्लॉग। ओके, सो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी ब्लॉग है फॉर ये आपको पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि हर एक दिन में हजारों वेबसाइट बनती हैं। जी हाँ, वेबसाइट मतलब वेब मतलब जाल से संबंधित इसे कह सकते हैं हम, तो हर एक दिन में हजारों वेबसाइट बनती है, और वेबसाइट के थ्रू व्लॉग बनते हैं। ठीक है, ब्लॉग बनते हैं, ब्लॉग BLOG। सो लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आपको व्लॉग करना पड़ेगा तो एक ब्लॉगर ऐप आती है लाइक दिस, तो उसमें आपको ये, जैसे कि ये मेरा ब्लॉग है, कैमरा उल्टा है, एक सेकंड मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। सो यहाँ पर ये एक ब्लॉगर ऐप आती है, तो उसमें आपको जाना पड़ता है, देन
इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है, देन अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड अ ब्लॉग। तो इसमें आप अगर नॉवेल्स लिखते हैं या फिर आपको लिखने का शौक है तो आप नॉवेल्स के थ्रू, अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपनी शायरी, अपनी पोएट्री के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, तो इसमें समझ आ गया होगा आपको कि व्हाट इज ब्लॉग एंड व्हाट इज ब्लॉग, ठीक है। तो ब्लॉगिंग और ब्लॉग सिमिलर लगते हैं बट सिमिलर नहीं होते, एकदम अपोजिट होते हैं, क्योंकि ब्लॉग में हम लिख कर, हम उसको प्रिंट करके, यानी हम उसको लिख कर पब्लिश करते हैं, ठीक है। और ब्लॉगिंग में हम उसके उस वीडियो को, उस पूरे एनवायरनमेंट को कैप्चर करते हैं, ठीक है, और वीडियो के थ्रू दिखाते हैं। लाइक यूट्यूब के अंदर आप अगर सर्च मारिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉगिंग के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, ठीक है। सो इसके बाद बात रही हमारे ब्लॉग की, तो ब्लॉग भी बहुत अच्छा है। और आपको पता होगा कि हम अपने फोन से एक करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो वो चाहे लाइक एफबी के थ्रू हो, लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू हो, लाइक वेबसाइट के थ्रू हो, लाइक ट्रेंड में जो चल रहा है वो क्या है, टिकटॉक, तो टिकटॉक के थ्रू भी हम पहुंच सकते हैं, राइट। देन यूट्यूब तो है, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास। सो यहाँ पर हमने जाना कि व्हाट इज ब्लॉग एंड व्हाट इज ब्लॉग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको मैं दिखाती हूँ कि ये ब्लॉग, यानी जो ब्लॉगर ऐप है, ये ऐप होती है। लाइक मैंने ऐप पहले से खोल रखी है इधर, तो ये ब्लॉगर ऐप होती है। तो इसमें आप अपने नॉवेल्स, अपने शायरी पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने सारे ब्लॉग जो मैं बनाती हूँ मैं यहीं पर पोस्ट करती हूँ, लाइक दिस, जैसे कि ये ब्लॉग मैंने बनाया है, तो ये मैं इधर ही पोस्ट करती हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये होता है ब्लॉग, यहाँ पे आप एकदम कंप्यूटर की तरह होता है, थोड़ा आप हाईलाइट करना तो हाईलाइट कर सकते हैं, आप अपने इमेजेस भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो पूरा इमेज है ये मैंने खुद डिजाइन किया है, और आप इसमें लिख भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी पोयम भी इसमें लिख सकते हैं। फॉर जैसे कि ये मेरी पोयम है इधर, इतनी बड़ी, जो मैंने खुद टाइप करी थी, इसमें खुद लिखी थी, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम व्लॉग, ठीक है। सो थैंक यू।